हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सी टी वी का सीरीज़ कवर करा रही हूँ, जो आपका प्रीवियस ईयर 2021 में जो पूछा गया था, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसी का मैं सी डी पी कवर करा रही हूँ, पेपर वन का। तो आज देखेंगे आप 20 दिसंबर 2021 का सी टेट का 300 क्वेश्चन जो सी डी पी में आया था। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला एक धारणीय और एक यामी है। दूसरा विकास ऊपर से नीचे और केंद्र के बाहर की ओर होता है। तीसरा विकास अनुवांशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। चौथा विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो विकास क्या होता है? विकास जो होता है हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चा जो है सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सभी तरह से अपने आप का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। तो विकास जो है कोई एक क्षेत्र में नहीं होता है। पहले 2 साल पहले जो जैसे थे आप, आज वैसे नहीं हैं। आज आप 2 साल पहले से ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं। तो क्या है, विकास हमारा दिन प्रतिदिन होते जाता है, कभी रुकता नहीं है और एक तरह से नहीं होता है। सिर्फ हमारे शरीर से नहीं, हम मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो ये जो है विकास एक धारियों और एक आमीय होता है। तो कभी भी विकास जो है वन साइडेड नहीं होता है, ऑप्शन वन हमारा गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो शीर्ष से ही पता चल रहा है कि यह सिर की तरफ से बताया जा रहा है। शीर्ष यानी कि सिर, मतलब आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, शीर्ष मतलब कि सिर। तो सिर के से पांव की तरफ जो विकास होता है उसे शीर्षगामी सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें बच्चा क्या, पहले सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण रखना सीखता है, उसके बाद अपने हाथ पे, उसके बाद जो होता है वो क्या करता है, वो धर पर नियंत्रण रखना सीखता है, फिर पैर पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। इस प्रकार से बच्चा जो है वो अपने बॉडी पर नियंत्रण करना सीखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गामक विकास। तो गामक विकास का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? पहला जन्म पूर्व का समय, दूसरा प्रारंभिक अवस्था, दूसरा मध्यबालपन, तीसरा युवा अवस्था। तो संवेदनशील भाषा की कौन सी अवस्था होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको बोलने में दिक्कत आता है, उसके आस पड़ोस, घर परिवार, विद्यालय जैसे जो भाषा बोलते हैं वो धीरे धीरे उस कैरिकुलम में, उस एटमॉस्फेयर में खुद को ढालने लगता है और वैसा ही बन जाता है। तो ये जो होता है प्रारंभिक बाल अवस्था जो होता है वो ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है इसमें बच्चा जो है संवेदनशील अवस्था होता है, क्रिटिकल स्टेज होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्ति पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक ज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाता है? तो बच्चा पहले अपना पहचान जानता है, भाषा सीखता है और संज्ञानात्मक कौशल का विकसित होता है। संज्ञानात्मक से क्या मतलब, मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका। हमारा पहला ऑप्शन दिया प्रारंभिक समाजीकरण, दूसरा द्वितीय समाजीकरण, तीसरा प्रक्षेप अव्यक्त समाजीकरण, तीसरा सक्रिय समाजीकरण। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे आसपास कौन रहते हैं, अपने घर का परिवार रहता है, मम्मी पापा, बुआ, चाचा, चाची, नाना, नानी, ये सब रहते हैं। तो ये कौन सा समाजीकरण है? ये हमारा प्राथमिक समाजीकरण है, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जाएंगे ऑप्शन वन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोलवर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो पहला पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा पारंपरिक चरण, तीसरा उत्तर पारंपरिक चरण, चौथा दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक चरण, ऑप्शन टू पे हम जाएंगे, ऑप्शन टू हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पूर्व सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना क्या कहलाता है? समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातकरण, संगठन। तो हमारे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज में थोड़ा और ऐड कर दें, और नॉलेज हो गया उसमें, उस सब्जेक्ट में। तो ये क्या कहलाता है, जैसे कि एक बच्चा है वो बिल्ली को देखता है तो सोच रहता है अच्छा इसका 2 पैर होता है,
एक पूंछ भी होता है। हाँ, ये बिल्ली हो गया, कैट हो गया। तो आपको एक डॉगी देखता है तो कहता है कि से हाँ, इसका भी एक पूंछ है, इसका भी चार पैर है। तो बोलता है, देखो मम्मा, ये क्या है, ये बिल्ली है, लेकिन इसका जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो उसकी माँ उसको बताती है, बेटा ये कैट नहीं, ये डॉग है। तो वो क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है, एसिमुलेशन कहलाता है। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना अब शब्द का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रयत्नों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना प्याजे एक संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है? तो मीना जो है वो क्या करने लगी है, शब्द का प्रयोग करना सीख गई है, उस शब्द प्रतीक को सीख गई है, शब्द का ये प्रतीक होता है, और तर्क भी करने लगी है। लेकिन वो अभी क्रमबद्धता यानी कि आयतन क्या है वो नहीं समझ पाती है। तो वो कौन से स्टेज में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगी कामक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 1, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में है, जो 2 से 7 साल का स्टेज होता है उस कंडीशन में मीना है। अगला है हमारा समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रदाय किसने प्रतिपादित किया? तो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है इसमें बच्चा को ऐसा कार्य दिया जाता है जो पहले कार्य से थोड़ा मुश्किल हो लेकिन उसी कार्य से जुड़ा हुआ हो। तो वो क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, इससे बच्चा थोड़ा सीख पाता है। तो ये जो किसने समय पे विकास का जो क्षेत्र है ये सिद्धांत किसने दिया? लैब बाइगोश्की ने दिया। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन लैब बाइगोश्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो ऑप्शन 1 है अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, अधिगम उत्पत्ति मूलक कर्मादेश है, अधिगम एक अक्रामक बंध प्रक्रिया जिसके 4 चरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो प्रगतिशील कक्षा कौन सा होता है जिसमें स्टूडेंट एक्टिव हो, हर चीज़ सीखता हो, समझता हो, पूछता हो, वो प्रगतिशील कक्षा हो जाएगा। ऑप्शन 1 है हमारा निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन, ऑप्शन 2 है मौखिक दंड का प्रयोग, ऑप्शन 3 है एक रूप मानवकृत पाठ्यचर्या, ऑप्शन 4 है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास संकेती भाषा विकास का पूर्वगामी है? ऑप्शन 1 है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, दूसरा है बाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, चौथा है बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास संकेती भाषा विकास का पूर्वगामी है। तो पहले उसका माइंड डेवलप होगा, उसके बाद ही भाषा का उसका विकास होगा। तो ये जो पियाजे दिए थे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? पहला जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, दूसरा कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, तीसरा जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, चौथा ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़की और लड़कियों पर गैर पारंपरिक भूमिका में दिखाई दे। तो जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, जैसे कि लड़कियां गाना गाएगी, लड़की को मैथ समझ में नहीं आता, लड़कियां घर का काम करेगी, लड़का रो नहीं सकता है, लड़का गुड़िया से नहीं खेल सकता, ये सब क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा कक्षा में बालक और बालिका को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना है, ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्या है, पारो अपने पिता की बैठे की दुकान में उनकी सहायता करती है जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है।
उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला जहां वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो ये जो है मीना पारो है अपने पिता जो एक कारपेंटर है उनके दुकान में लकड़ी के टुकड़ों को माप लेती है आसानी से, वहाँ उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब उसको EWS स्कीम के तहत उसको स्कूल में एडमिशन मिलता है पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ उसको मैथ में प्रॉब्लम होता है। तो उसके टीचर को क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन वन हमारा दिया हुआ है, पारो को कहना चाहिए कि उसे पढ़ने की क्षमता नहीं है, नहीं इससे वो डिमोटिवेट हो जाएगी। उसके बाद है पारो को परीक्षा देना चाहिए और दोहराव एवं वेदन को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखी गई गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक करने के लिए कहना चाहिए, नहीं। ऑप्शन थ्री जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थ्री के साथ हम जाएंगे। घर के ज्ञान और स्कूल के ज्ञान को उसको मिलाकर टीचर को समझाना चाहिए कि देखो ऐसे होगा। ध्वनि लय और शब्द के अर्थ के प्रति संचेतना किस बुद्धि के मूलक है? पहला अंतर्व्यक्तिक, दूसरा अंतराव्यक्तिक, तीसरा भाषिक, चौथा स्थानिक। तो ध्वनि लय और शब्द जो है वो किसके मूलक है? वो है हमारे भाषिक। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? पहला सहयोगी प्रयोजक कार्य, दूसरा शब्द उत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न, तीसरा मानक परीक्षण, चौथा मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो सामाजिक संज्ञानात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी होगी? तो आकलन यानी कि हम कौन कितना सीख रहा है और किसको कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, ये है बात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, सहयोगी प्रयोजित कार्य के द्वारा हम सामाजिक संरचना कक्षा में हम इस विधि का प्रयोग करके आकलन कर सकते हैं। सहयोगी प्रयोजन कार्य कि मतलब कि बच्चे को एक दूसरे के साथ पेयर असेसमेंट करवा देंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय? पहला अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करने एवं उनकी सहायता करना। दूसरा अंक ग्रेड एवं अन्य प्रकार से छात्र की उपलब्धि का सतत तुलना करना। तीसरा निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। चौथा समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रोत्साहन की योग्यता का मापना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 16 जो है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? परवीन अभिमुखी लक्ष्य, दूसरा असफलता से बचने वाले लक्ष्य, तीसरा असफलता स्वीकार लक्ष्य, तीसरा आत्मपराजित लक्ष्य। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, परवीनता अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन सा समावेश का नियम है? पहला विभेदन, दूसरा मानवकृत अनुदेशन, तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना, चौथा पृथकीकरण और नामांकित करना। तो समावेशन का नियम कौन सा है बताइए आप लोग, आपके पास 3 सेकेंड का समय है और ये ख़त्म होता है इसी के साथ। तो देखिए तीसरा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना, ऑप्शन थ्री जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता मतलब कि उसको देखने में दिक्कत है, वो सही से नहीं देख पा रहा है। ऑप्शन वन है हमारा घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, गलत देख नहीं सकता है तो उसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया गया है जिसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा दिया जाता है, उसे एक अलग संस्था में रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिना किसी प्रधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए, उसकी परिस्थिति को जूझने की क्षमता विकसित हो। तो क्या होगा बताइए आप लोग।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, समावेशी प्रावधान का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? पहला कल्पनाशील उत्तर को स्वीकारना, दूसरा विचार मंथन पर बल देना, तीसरा अभिसारी चिंतन पर बल देना, चौथा असहमति के प्रति सहनशीलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, पहला दूसरा और चौथा सही होगा। कल्पनाशीलता के उत्तर को स्वीकार करना, विचार मंथन पर बल देना और असहमति के प्रति सहनशीलता। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्वैर चिंतन वाले छात्र को आयोजित छात्र सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रही है। तो छात्र जो आयोजित सत्र सामूहिक कठिनाई का सामना कर रही है, की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? पहला ये जो है सामूहिक मतलब कि इस ग्रुप में कार्य करने के लिए दिया जा रहा है और उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो कौन सा मेथड उसको यूज करना चाहिए? तो हमारा पहला ऑप्शन है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, दूसरा बच्चों को कम शोर वाले विधांत वातावरण में युक्तों में कार्य करने की अनुमति देना, तीसरा बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, चौथा समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के विशिष्ट स्कूल में भेजना। ऑप्शन थ्री के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछना के लिए प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कि कभी अनुमति नहीं देना, सजा देना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए, ऑप्शन वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय को छात्र ने पाठ पुस्तक को याद करने पुनः लग देने की योग्यता के स्थान पर उसमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील करने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करने चाहिए। सही बात है, ये तो सही है। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या करता है एक ही, ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंध को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधन का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, तीसरा समवर्ती सहायक, चौथा संकल्पना मानचित्र। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर होगा, संकल्पना मानचित्र। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंध को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने का आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? संकल्पना मानचित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, जो जिसमें बच्चा खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, उसके एग्जाम्पल को चुनने के लिए कह रहा है। तो पहला रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही, क्योंकि उसके माता पिता उसे 90% के ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा करते हैं। जी नहीं, ये तो प्राइज के लिए मेहनत कर रही है, तो ये होगा नहीं। दूसरा है रूमी अपनी गृह कार्य पूरा कर रही, क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे, ये भी गलत है। रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही, क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाने पर चाहती है, ये भी गलत है। अपनी परियोजित कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रही, क्योंकि वह जानकारी लेने में रुचि, ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो कौन सी नीति है जो चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो ऑप्शन वन है हमारा, छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, दूसरा छात्र को लघु अवधि के यथावार्थी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, तीसरा छात्र को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, चौथा कक्षा में छात्र को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा में छात्र के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ऑप्शन फोर के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्र की भाषा कथन वाले प्रश्न सही प्रक्रिया पहचाने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन वन, अधिक त्रुटि वाले छात्र का कम त्रुटि वाले छात्र से पृथक करना। दूसरा, अधिक त्रुटि वाले छात्र को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। तीसरा, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। चौथा, त्रुटि को समझना क्योंकि वे छात्र के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रुटि को समझना क्योंकि वे छात्र के चिंतन को समझने में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती? पहला, परीक्षा के लिए पढ़ना। दूसरा, स्मरण आधारित शिक्षा। तीसरा, वेदन और अभ्यास। चौथा, संप्रदाय समझ। तो किस पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारा, वो संप्रदाय समझ। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे किस शिक्षण शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? पहला, व्याख्यान और प्रत्यय अनुदेशन द्वारा। दूसरा, पुनरावर्ती यंत्रवत अभ्यास द्वारा। तीसरा, वे कार्य और क्रियाकलाप में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। चौथा, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, जब वे कार्य और क्रियाकलाप में क्रियाशीलता से भाग देते हैं। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान कराना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना। डेस्क को बढ़ावा देने की विधि है यंत्रवत अधिगम। दूसरा, प्रतिस्पर्धा अधिगम। तीसरा, अन्वेषित अधिगम। चौथा, निर्देशिक अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अन्वेषित अधिगम, ऑप्शन थ्री के साथ हम जाएंगे। तो आज मेरा ये जो है आपका 20 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया था वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले 30 CDP के क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।